वेंटिलेटर का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन कोविड अर्थात कोरोना काल का दौर आया तो सबसे ज़्यादा डिमांड वेंटिलेटर की हो रही है। इस लाइफ सेविंग डिवाइस ने बहुत से लोगों की जान बचाई है। ऐसे में आपको भी पता होना चाहिए कि एक वेंटिलेटर कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और वेंटिलेटर के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। वेंटिलेटर ऐसे मरीजों की जान बचाने में मदद करता है जो सांस नहीं ले पाते हैं। हमारे सांस लेने की प्रक्रिया लंग्स से अर्थात फेफड़ों से जुड़ी होती है। लंग्स के कारण ही हमारी बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी वेस्ट गैस का बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जब मरीज ऐसी परिस्थिति में होता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसके लंग सही तरह से काम नहीं करते हैं, ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेटाया जाता है, क्योंकि पेशेंट खुद से सांस लेने में सक्षम नहीं होता है। उन्हें वेंटिलेटर द्वारा कृत्रिम रूप से सांस दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं कि वेंटिलेटर कैसे काम करता है। जब किसी मरीज को वेंटिलेटर पर लेटाया जाता है तो सांस देने वाली नली को मुंह में या गले में लगाया जाता है। इस नली का दूसरा सिरा वेंटिलेटर यूनिट से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हवा एक ट्यूब के माध्यम से बहती है जो पेशेंट के मुंह से होकर उसकी श्वास नली के नीचे जाती है, जिससे ऑक्सीजन यांत्रिक रूप से पेशेंट की बॉडी में पंप करने में मदद करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। ऐसा होने से पेशेंट के बंद हुए फेफड़े सांस लेने योग्य हो जाते हैं। आई होप यू हैव गॉट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।